Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all a new topic, that is Student Support Services in Distance Education. Means, Durasth Shiksha mein Vidyarthi ko Sahayata ke liye di jane wali sewaen. To, ek baat aapko samajhni chahiye ki kyun hum traditional education system mein स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस की बात नहीं करते या क्यों हम डिस्टेंस एजुकेशन में स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस की बात करते हैं, पहले तो ये जाने, फिर हमको समझ में आएगा कि इन सेवाओं की क्या आवश्यकता है और ये कितने प्रकार की होती है। तो ऐसे समझिए कि इन दी कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो आपका रेगुलर मोड फेस टू फेस टीचिंग है, जो आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, द टीचर प्रोवाइड्स एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सपोर्ट टू हिज और हर स्टूडेंट्स। जो शिक्षक है वो इस भूमिका में होता है कि वो अपने विद्यार्थियों को शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक सहायता देता है। जैसे हमको कुछ पूछना होता है, हमको कोई असाइनमेंट जमा करना है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम टीचर से पूछ लेते हैं, मार्किंग कैसे होगी हम पूछ लेते हैं, कॉपी कब मिलेगी, नंबर दिखाए जाएंगे कि नहीं दिखाए जाएंगे, हर छोटी सी छोटी क्वेरी जो हमारे मन में आती है उसका उत्तर हमारा शिक्षक हमको दे देता है। इसके अलावा क्या लाभ है? एक लाभ और कि जो पीयर ग्रुप है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आपस में एंजॉय करते हैं अपॉर्चुनिटी की, वो इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। बहुत सारा इशू है, टीचर से जाने से पहले हो सकता है हम अपने साथी से पूछ लें, उसी से पता चल जाए, उसको भी ना पता हो तो टीचर से पूछ लें, इस तरह से हमारी क्वेरी रिजॉल्व होती रहती है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। इसके विपरीत डिस्टेंस लर्नर के साथ क्या दिक्कत आती है? एक तो पहली बात, वो एक इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन में स्टडी करता है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल मिलता है उसको, SLM जिसको कहते हैं, टीचर को उसको मिलता नहीं, स्टूडेंट्स अपने साथ के उसको मिलते नहीं। दूसरा क्या करता है डिस्टेंस लर्नर्स, बिसाइड्स बीइंग सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक तो वो एक दूसरे से अलग तो है ही, हैव इंट्रा एंड इंटर ग्रुप वेरिएशंस, और उनका ग्रुप बहुत हेट्रोजीनस है। देखिए, क्लास का जो ग्रुप होता है वो होमोजीनस होता है, लगभग एक उम्र के, लगभग एक जैसे बच्चे रहते हैं, लगभग बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक कंडीशन भी मोर और लेस सबकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसे होता है। लेकिन जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन का क्लासरूम है, वो हो सकता है कोई रिटायरमेंट के बाद कोई कोर्स करना चाह रहा हो, कोई बहुत छोटी उम्र में वो कोर्स करना चाह रहा हो, फिर वेरीड उनके इंटरेस्ट होते हैं, रुचियाँ वेरीड, उनकी नीड्स होती हैं, अलग अलग सबकी आवश्यकता है, जिस वजह से वो उन्होंने वो कोर्स ऑप्ट किया है। तो उनकी उम्र, उनकी रुचि, उनके पृष्ठभूमि, उनकी आवश्यकताएं, उनके अनुभव और सब, बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, इसलिए वो बहुत हेट्रोजीनस ग्रुप फॉर्म करते हैं। कौन से बच्चे, कौन से लर्नर्स, नॉट बच्चे बिकॉज दे आर एडल्ट्स मेनली, डिस्टेंस एजुकेशन ग्रुप के लर्नर्स, दे ऑल रिक्वायर सूटेबल सपोर्ट सर्विसेज फॉर देयर स्मूथ प्रोग्रेस थ्रू देयर स्टडी एंड सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ देयर प्रोग्राम। तो उन सभी को उचित सहायता सेवाएं चाहिए होती हैं, जिससे वो स्मूथली अपने कोर्स में आगे बढ़ सकें और वो प्रोग्राम मतलब कंप्लीट कर सकें। द मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ सपोर्ट सर्विसेज इज टू मोटिवेट दी स्टूडेंट्स टू बी ऑन द राइट ट्रैक एंड टू इनकरेज देम टू मेक यूज ऑफ द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर प्रमोटिंग देयर लर्निंग। तो जो ये स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस का उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि जो विद्यार्थी है वो सही रास्ते पर चले, इसके लिए वो मोटिवेटेड रहे और उसको प्रोत्साहन मिले कि जो फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड की जा रही है उनसे वो अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाता रहे। फिर लर्नर सपोर्ट सर्विसेज आर डिस्क्राइब्ड एज द एलिमेंट्स ऑफ एन ओपन लर्निंग सिस्टम। ये तय है कि जो ट्रेडिशनल लर्निंग सिस्टम है इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ओपन या डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में ही इसकी आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल लर्नर है उसकी जो मतलब हम रिस्पॉन्ड कर सकें, उसको कोई जरूरत हो तो हम उसको बता सकें। सपोर्ट इनकॉर्पोरेटेड विद इन द सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स, द लर्निंग सिस्टम एंड असाइनमेंट इवेल्युएशन और मार्किंग एंड द एसेंशियल सपोर्ट सर्विसेज रिक्वायर्ड टू इंश्योर द सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एट अ डिस्टेंस। मतलब किस किस लिए जरूरी है कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल उसको ठीक से मिल गया कि नहीं, असाइनमेंट का इवेल्युएशन मार्किंग कैसे होगी, जो जरूरी सपोर्ट सर्विसेज हैं वो उसको उस तक वो इंश्योर करें कि उसको लर्निंग एक्सपीरियंस सही सही मिल रहा है कि नहीं वो दूरी से। तो इतने सारे कॉम्पोनेंट्स लर्नर सपोर्ट सर्विसेज का हिस्सा बनते हैं। और द ज्योग्राफिकल डिस्टेंस ऑफ द लर्नर फ्रॉम द टीचर और इंस्टीट्यूशन शुड नॉट मैटर मच इफ द टीचर और टीचर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स मेंटल, इमोशनल एंड एकेडमिक सपोर्ट थ्रू वेरियस मीन्स एंड सोर्सेज। यानी कि वो दूरी, जो भौगोलिक दूरी टीचर और इंस्टीट्यूशन और स्टूडेंट्स के बीच में है, वो उतना मैटर नहीं करेगी अगर वो इंस्टीट्यूशन या वो शिक्षक उसको मानसिक, सांवेगिक और शैक्षणिक सहायता विभिन्न माध्यमों और सोर्सेज से प्रोवाइड करा पाएगा। The idea behind student support is that there must be a real dialogue between the teacher and the learner, as it can enhance self-learning and also build confidence among the learners.
और जो ये विद्यार्थी को सहायता देने के पीछे का मुख्य विचार है वो यही है कि टीचर और लर्नर के बीच में एक रियल डायलॉग स्थापित हो सके, चाहे वो किसी भी मल्टीमीडिया के थ्रू हो। और उससे क्या होगा कि उसकी सेल्फ लर्निंग बढ़ेगी और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि कहीं उसको दिक्कत होगी तो वो टीचर से बात कर सकता है, उसको पता चल जाएगा, वो क्वेरी रेज करेगा तो टीचर उसको रिजॉल्व करेगा। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो मुरुगन ने 1994 में कहा, लर्नर सेटिस्फैक्शन शुड बी द क्राइटेरिया फॉर डिटरमिनिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज टू द स्टूडेंट। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी को जो सेवाएं मिल रही हैं उसकी गुणवत्ता ही ये क्राइटेरिया है जो सुनिश्चित करेगी कि लर्नर सेटिस्फाई है कि नहीं। द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशंस अप्रोच शुड बी, यानी कि जितने भी ODLS हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम है, उनकी उनका उपागम ये होना चाहिए बॉटम अप, यानी सबसे नीचे, यानी कि विद्यार्थी भाई हायरार्की में सबसे नीचे है, लेकिन आप वहीं से शुरू कीजिए, विद्यार्थी से चलकर ऊपर VC तक जाइए। बॉटम अप अप्रोच एंड पुट द लर्नर फर्स्ट, आप लर्नर को सबसे पहले रखिए एंड प्रिपेयर हिम, और उसको इसलिए तैयार कीजिए कि वो जितनी भी इंडिपेंडेंट लर्निंग के चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सके और अपने ओन लर्निंग नीड्स को लुक आफ्टर कर सके। ये डेफिनेशन लर्नर सपोर्ट सर्विस की है। नीड क्या है? नीड जैसे हमने पढ़ लिया, पता चल गया कि लर्नर सपोर्ट सर्विसेज आर क्रूशियल to the successful completion of programs by distance learners in a variety of situations, बहुत सारी विभिन्न विभिन्न situations में distance learner के लिए हम successful वो अपने program को complete कर सके, इसलिए learner support services की ज़रूरत होती है। It is the responsibility of ODL institutions to design and implement appropriate student support services to give academic support as well as a psychological boost to distance learners who are otherwise deprived of the much needed social interaction among their peers and teachers. वो कह रहे हैं किसलिए जरूरी है? पहला तो इसलिए कि आप उनको एकेडमिक सपोर्ट दे सके, प्लस मतलब शैक्षणिक सहायता के साथ साथ उनको वो मनोवैज्ञानिक बल दे सके कि वो जो मच नीडेड सोशल इंटरेक्शन से जो वो डिप्राइव है, उनसे किसी से बातचीत नहीं हो रही है, उसको आप फुलफिल कर सके, उसकी कमी को दूर कर सके। तो दो कारण हैं मुख्यतया जिनके लिए लर्नर सपोर्ट सर्विस की जरूरत है। लर्नर्स नीड असिस्टेंस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर स्टडी हैबिट्स, टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन, एकेडमिक गाइडेंस एटसेट्रा, एज दे डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट फ्रीक्वेंटली विद टीचर। देखिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको दिन भर में 10 सवाल पूछने होते हैं, मैम ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, कितनी बड़ी कॉपी होगी, कितना बड़ा पेपर होगा, कितने घंटे का होगा, सब। तो वो बार बार जो उनकी क्वेरी आ रही है आप इतनी जल्दी जल्दी सॉल्व, उसको कोई जवाब देने वाला नहीं है, तो बहुत उनके लिए मतलब एक एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो अपने आप को फील करते हैं। और कई बार इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम से भी आप स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं ये डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। तो एक तो ये आवश्यकता, दूसरी दी डाइवर्सिटी ऑफ बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर वेरिंग एबिलिटीज टू लर्न इन आइसोलेशन एस्टैब्लिशेस द नीड फॉर लर्नर सपोर्ट सर्विसेज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ देयर लर्निंग। मतलब देखिए इसमें भी हमेशा नहीं जरूरत है, एडमिशन के टाइम ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई आपका कौन सा क्लास है, कैसे, कब आपके असाइनमेंट्स होंगे, क्या क्राइटेरिया है इवेलुएशन का, क्या ये सब एकदम अटेंडेंस मतलब एडमिशन के टाइम। फिर जब आप पास आउट हो गए तो जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये कुछ कुछ विशेष टाइम होते हैं, स्पैन होते हैं साल के, जब लर्नर सपोर्ट सर्विसेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये आवश्यकता की वजह है। फिर ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, कौन से मुख्य उद्देश्य हम रखें कि हम ये इस तरह से लर्नर सपोर्ट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो पहले तो आप कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव बनाइए, जो आपका कोर्स है उसके कुछ उद्देश्य होंगे। फिर हमारा जो डिस्टेंस लर्नर है आप उसको एम्पावर कीजिए, मल्टीमीडिया से सपोर्ट उनको प्रोवाइड कराइए, पेडेगोजिकल सपोर्ट उनको मिले, और लर्नर फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो। ऐसा ना हो कि साइट पे मान लीजिए हमने कहा कि यार यहाँ अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, वो साइट ही हमेशा हैंग रहती हो या कभी उस पर आंसर ही ना मिलता हो, तो बच्चा एक दो बार करेगा, स्टूडेंट एवल्ट Whosoever, फिर वो करना छोड़ देगा कि ये तो कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो लर्नर फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए और इमिटेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन द लर्नर्स कंटेक्स्ट एंड कंसर्न। विद्यार्थी के कंटेक्स्ट और कंसर्न से मिले हुए अगर दूसरे ओपन यूनिवर्सिटीज में कोई बहुत बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है तो आप उसको इमिटेट करके अपने आप ही चलाइए। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स पे। देखिए मेनली तीन तरीके की सपोर्ट सर्विसेज की जरूरत है, टीचिंग लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे और काउंसलिंग लेवल पे, यानी शिक्षण से संबंधित, प्रशासन से संबंधित और निर्देशन से संबंधित या परामर्श से संबंधित, है ना। तो टीचिंग में ट्यूटरिंग, फीडबैक और ग्रेडिंग, यानी कि ट्यूटरिंग आपको लेक्चर कैसे मिलेगा, आपको वीडियो फॉर्म में मिलेगा, सिंक्रोनस होगा, एसिंक्रोनस होगा, कैसे होगा, सेल्फ लर्निंग मटीरियल मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। फीडबैक, आप जो भी असाइनमेंट सबमिट करेगा उस पर फीडबैक आपको कैसे, कब, कैसे, कहाँ दिया जाएगा, ग्रेडिंग कैसे होगी, ये सब टीचिंग से रिलेटेड आस्पेक्ट है, इन सब की सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी। फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्शन, मतलब एक्शन टेकन, अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर ए स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। अब तो आप जानते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है, सबको आपको इंक्लूड करना है, तो जो डिसेबल्ड चाइल्ड है उसके लिए तो और ज़्यादा डिस्टेंस एजुकेशन में दिक्कत है, तो उसके लिए आप एक्शन लीजिए प्रॉपर। एडवोकेसी, कुछ वो पूछ रहे हैं तो उनको सही बात बताइए। असेसमेंट,
टेस्टिंग इफ समवन हैज द राइट क्वालिफिकेशंस फॉर ए कोर्स, मतलब वो एडमिशन लेने आया है तो आपको देखना पड़ेगा ना कि वो जो प्री रिक्विजिट उस कोर्स की है उसको वो फुलफिल करता है कि नहीं। और काउंसलिंग, काउंसलिंग आपको उनको देनी होगी, कभी आपको इनको इन्फॉर्म करना होगा, बताना होगा कि यूनिवर्सिटी रेगुलेशन ये है, आपको ये फॉलो करना है, कभी आपको उनको एडवाइस करना होगा ये बताने के लिए कि ये सबसे बेस्ट तरीका ऐसे पढ़िए, कभी आपको उनकी काउंसलिंग करनी होगी ये राइट कोर्स तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम इसको ऑप्ट कर सकते हो। इसके अलावा इन जनरल मटेरियल का सपोर्ट, मॉनिटरिंग सपोर्ट, सूचना की सहायता, गाइडेंस की सहायता, ट्यूटोरियल के रूप में सहायता, काउंसलिंग के रूप में सहायता, मीडिया सपोर्ट, लाइब्रेरी सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन सपोर्ट, इतनी तरीके की सपोर्ट सर्विसेज, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज हो सकती है। फिर आता है आपका इंडियन यूनिवर्सिटीज कंसर्न, इससे आपको पता चलेगा कि वाकई इंडियन ओपन यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कंसर्न रखती हैं स्टूडेंट के लिए, अपने लर्नर के लिए। कैसे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद डिक्लेयर 2003 एज द ईयर ऑफ स्टूडेंट सर्विस एंड इवॉल्व मिशन एंड विजन फॉर द यूनिवर्सिटी एंड डेवलप अ लर्नर्स चार्टर, यानी कि 2003 का उन्होंने जो वर्ष था वो विद्यार्थी सेवा के लिए दिया। उन्होंने अपना स्लोगन बनाया यूनिवर्सिटी एट योर डोरस्टेप, यानी कि हम आपके दरवाजे तक जाएंगे, यानी कि लर्नर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच डिनोट्स द विल ऑफ द यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड एजुकेशन एट द डोरस्टेप ऑफ सच लर्नर्स हु विश टू अपग्रेड देयर नॉलेज, यानी कि ये यूनिवर्सिटी की ये इच्छा है कि हर विद्यार्थी के हम दरवाजे तक जाएं, उन सभी विद्यार्थियों के दरवाजे तक जाएं जो अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं। उसी तरह से इग्नू का स्टेटमेंट है एवरी फैमिली इज यूनिवर्सिटी, है ना, उनका रीसेंट मिशन एंड मिशन था, प्रोवाइडिंग इफेक्टिव स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज इज क्रूशियल फॉर लर्नर्स सेटिस्फेक्शन इन देयर सर्विस सक्सेस, यानी कि विद्यार्थी की संतुष्टि, जो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस है वो विद्यार्थी की संतुष्टि और सफलता के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब कि सारी जितनी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं वो इस दिशा को, इस फिलोसफी को लेकर चलती हैं कि स्टूडेंट को उनको सपोर्ट करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो स्टूडेंट है वो एडमिशन तो लेगा पर कोर्स अपना बीच में छोड़ देगा, तो ये लॉस है, ये सरकार का लॉस है, ये समाज का लॉस है, ये विद्यार्थी का लॉस है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज की महती भूमिका है और बिना इसके चल नहीं सकती है डिस्टेंस एजुकेशन। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज आर फॉर द डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन सिस्टम। ओके, सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टू। So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. Thank you.